2015 से टिल डेट नेशनल चैंपियन भी हैं जी अलहमदुल्ला। 2015 से अभी 22 जा रहा है अलहमदुल्ला मैं नेशनल चैंपियन, और मैंने 8 से 9 दफा मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया है। बार बार रिकॉर्ड अपने ही तोड़ते जा रहे हैं, यानी कि और जैवलिन में या और स्पोर्ट्स में अभी कोई ऐसा नहीं है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन उन्हें क्योंकि सहूलियात नहीं है, कैंप्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे आपने कहा ग्राउंड नहीं है आपका, तो ये वजूहत है कि हम आगे नहीं जा पा रहे। बिल्कुल, हमारे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो जैसे आपने बोला ये चीज़ों की कमी है, तो अगर ये हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बहुत आगे जा सकती है। अभी इंजरी की क्या है, क्योंकि सॉलिडारिटी गेम्स में भी आप इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, बिल्कुल इंजरी काफ़ी थी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप खेली, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट जारी रही वर्ल्ड इस्लामिक गेम में, डॉक्टर भी नहीं था, कोच भी नहीं था, लेकिन 4 दिन का गैप था, तो मैंने कहा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, इंशाल्लाह खेलना है, जब तक वो कहते हैं कि सांस में सांस है इंशाल्लाह खेलते रहेंगे इसी तरह। तो बस जज्बा था कि इंशाल्लाह होप थी कि मैं गोल्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत जाऊंगा, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मेरे कॉमनवेल्थ गेम्स का भी मैंने रिकॉर्ड किया और वर्ल्ड स्लैम गेम का। ठीक हो गया। अच्छा अर्शद साहब ये बताइए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कि आपको बेपनाह सपोर्ट मिली हमारे पड़ोसी मिले मुल्क से, यानी कि इंडिया से बेपनाह सपोर्ट में, क्या आपका नीरज के साथ वो जो एक बाउंडिंग थी वो वजह थी, या आप समझते हैं कि नहीं वो खेलों में क्योंकि कोई बॉर्डर्स नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ये भी वजूहत थी, या आपका अखलाक ऐसा था? आज बिल्कुल अगर देखा है इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो कहते हैं कि जो अच्छा खेलता है उसको सारे सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट मिलती है, तो मैं इंडिया की अवाम का भी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी इज्जत दी है, तो इसी तरह मैं अपने पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की और मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। घर के हवाले से मैंने कोई बयान देखा था, घर का आप कह रहे थे, तो ये कैपिटल टीवी और डिजिटल खेल प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उन्हें? जी बिल्कुल, अपना प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक छोटे से गांव से तल्लक है मेरा 115 से, तो अगर देखा जाए तो मेरे गांव के एक मिसाली बनाया जाए, और उधर जो मेरी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि इंसान का एक घर अच्छा होना चाहिए, उनको फैसिलिटीज होना चाहिए, और बाकी मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का मिनिस्टर साहब को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, तैमूर मसूद साहब का, कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव में मुझे अभी ग्राउंड बना के दे रहे हैं, स्टेडियम बना के दे रहे हैं, उनका बेहद मशहूर हूँ। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मुझे सहूलियात दी जाए और मेरे जो गांव उसको एक मिसाली बनाया जाए, ताकि मैं आइंदा जितने भी कंपटीशन है और दिल से आप करें, दिल से और अच्छा करें। आप चाहेंगे कि आप अपना ये जो आर्ट है, फन है, ये नेक्स्ट जनरेशन को मुंतकिल करें? जी बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब ने उधर मुझे स्टेडियम बना के दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो यूथ है और उधर जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान से, मैं कहूँगा कि मेरे पास उधर आए ट्रेनिंग आप सिखाएंगे।